ये है राजा भोज की नगरी भोजपुर। चूंकि जिले का नाम भोजपुर है सो यहाँ की भाषा भी भोजपुरी ही है। हिंदी से मिलती जुलती भोजपुरी न केवल भोजपुर में बोली जाती है बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी यह भाषा काफी लोकप्रिय है। खास तौर से भोजपुर के आसपास के ग्रामीण अंचलों में तो लोग भोजपुरी में ही बात करना पसंद करते हैं। इस इलाके के ज्यादातर लोग कृषि पर ही अपना गुजारा करते हैं, पर फिर भी बदहाली के हालात हैं। कारण, कुछ लोगों के पास आज भी जमीन का बहुत ज्यादा हिस्सा है और कुछ लोगों के पास रहने की झोपड़ी तक नहीं। इसीलिए इस इलाके की गिनती आज भी पिछड़े इलाकों में होती है। ऐसे में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगुवाई में इलाके में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया तो पहला खास काम किया गया स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने का। और आज तो हमारे स्वयं सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने गांव की ओर चल पड़े हैं, ये सोचकर कि अब गांव में निरक्षरता को भगाकर ही दम लेना है। चलो यार, प्रशिक्षण तो समाप्त हो गया, अब जल्द से जल्द चलकर अपने अपने निरक्षरों से मिलते हैं और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। हाँ यार, प्रशिक्षण में तो बड़ा मजा आया, उसमें कई बातें सिखाई गई। लगता ही नहीं कि हम वो हैं जो पहले हुआ करते थे। कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम बदला बदला सा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो तुसार, बेशक सब कुछ वैसा ही है लेकिन हमारे देखने और सोचने समझने के नजरिए में फर्क आ गया है। अब देखो ना, कल तक हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे लेकिन अब हम उनके बारे में सोचते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। कमाल का है ये यार साक्षरता अभियान। अरे यार, वो सब ठीक है, अब जल्द से जल्द चलकर अपने अपने निरक्षरों से मिलते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए आने के लिए कहते हैं। और इस तरह भोजपुर इलाके के दो स्वयं सेवक तुषार और विष्णु अपने गांव के लोगों को साक्षर बनाने के लिए चल दिए हैं। जैसी बातें उन्हें प्रशिक्षण के दौरान बताई गई थी उसी के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले साक्षरता का माहौल बनाने का काम किया। आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आप अनपढ़ रहेंगे तब तक आपको दुनिया में कोई महत्व नहीं देगा। आपके रोजमर्रा के काम में भी ये बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग पढ़ें। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पढ़ना जरूरी है, क्यों तुसार? हाँ भाई, सही बात है। बड़े उत्साह के साथ वे निरक्षर बहनों और भाइयों की घर घर जाकर मिले, उन्हें पढ़ने लिखने के महत्व से वाकिफ करवाया। ये भी बताया कि अगर वे निरक्षरता रूपी जंजीरों को तोड़ देते हैं तो कैसे उनकी जिंदगी खुशियों से लहलहा उठेगी। लोगों को अपनी ओर रिझाने के लिए उन्हें नाच गाने का भी सहारा लेना पड़ा, पर उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब केंद्र पर लोग नहीं आए तो इससे उनका उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। क्या बात है विष्णु, इतने प्रयत्न के बाद भी कोई प्रशिक्षण केंद्र में आने को तैयार ही नहीं? ये समस्या तो है, समझ नहीं आता अब क्या करें। अभी तो बहुत कुछ कर सकते हो प्यारे, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने पढ़ने पढ़ाने का माहौल किस तरह तैयार किया? वैसे ही जैसे हमें प्रशिक्षण में बतलाया गया। यानी कि तुम लोगों ने कला जत्थे का प्रयोग किया? हाँ? ये सोचो, क्या तुम लोगों ने कला जत्थे में लोकगीत और धुनों का इस्तेमाल किया? यही तो चूक गए। ऐसा करो, तुम लोग कला जत्थे में लोकगीत और धुनों का इस्तेमाल करके तो देखो, फिर देखो क्या होता है। Bye.
इस तरह होशियार सिंह की बातें मानकर तुषार और विष्णु ने अपने कला जत्थों में इलाके की जड़ में रचे बसे लोकगीतों और लोक धुनों का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने केंद्र पर ला सके। जाहिर है जब लोगों के कानों में जानी पहचानी धुनों में पिरोए गए गीत पहुंचे तो खुद ब खुद उनके कदम तुषार और विष्णु के साक्षरता केंद्र की ओर बढ़ चले। और सचमुच कमाल कर दिया इस कला जत्थे की टोली ने, खासकर इनकी लोक कलाओं की टोली ने। एक एक करके वे लोग भी पढ़ने को आए जिनके बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता था। अधेड़ बूढ़े बच्चे सभी, कितना अच्छा लग रहा है सबका एक साथ बैठना, मिलना, खेलना और पढ़ना। चलिए, ये तो अच्छी बात हुई कि तुषार और विष्णु ने अपने केंद्र पर लोगों को एकत्रित कर लिया, पर इतना ही काफी नहीं था। एक और समस्या थी जो उनके उद्देश्यों के रास्ते में बाधक थी। वो समस्या थी समाज में स्थापित जात पांत और ऊंच नीच की दीवार। इस दीवार के चलते पूरा का पूरा इलाका सामाजिक और आर्थिक रूप से बंटा हुआ था। आए दिन दोनों वर्गों के बीच खून खराबा होता रहता था, जिससे अक्सर निर्दोष और निरीह लोगों की जाने जाती। ऐसे मुश्किल हालात में साक्षरता अभियान चलाना अपने आप में एक चुनौती थी। और बड़ी खटाई। पर हमारा स्वयं सेवक तो इन सबों से ऊपर होता है। इन परेशानियों में वो थोड़ी देर के लिए घबरा तो जरूर जाता है, लेकिन जब मन में दृढ़ संकल्प हो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। जैसे जतेंद्र की ही हम बात लेते हैं, उसके गांव में भी अगड़े पिछड़े को लेकर भेदभाव थे। देखिए तो उससे निपटने का उसने कितना सुंदर सा रास्ता अपनाया। क्या बात है तिवारी जी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई समस्या है का? समस्या तो है भाई, मुसहर टोली के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं है। उन लोगों में पढ़ा लिखा है ही नहीं, उन लोगों को पढ़ाएगा कौन? समस्या तो है। इसमें क्या बात है, मैं जाऊंगा पढ़ाने के लिए। आप? अरे भाई, इसमें चौंकने की क्या बात है। हाँ, मैं ही जाऊंगा वहां पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको पता है आप किन लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं? कहां आप और कहां वो लोग? अरे यार, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, और मैं समझकर ये बातें कह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा वहां पढ़ाने के लिए। वैसे एक जाति विशेष में पैदा हुए हमारे ज्योतिंद्र के कदम तो मुसर टोली की ओर चल पड़े हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर। वो तमन्ना है मुसर टोली के बीच पढ़ाई लिखाई का महत्व बतलाना, अक्षरों की दुनिया की सैर कराना। लेकिन कुछ लोगों को यह असहज लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ज्योतिंद्र के पांव उस लक्ष्मण रेखा के पार निकल रहे थे जिसे जात पात, ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े के नाम पर हमारे इसी तथाकथित समाज ने खींच रखी है। ऐसी रेखा जिसने हमेशा दिलों को बांटने का ही काम किया है। तो ज्योतिंद्र ने इस सीमा रेखा को पार करने की आखिर जहमत क्यों उठाई? अपने समाज की सीमा रेखा से बाहर जाने का दुस्साहस किया है मैंने। यह जरूरी इसलिए कि यह जरूरी था। सदियों से हमने अपने और उनके बीच का जो दूरी का फासला था, हमने उनको कभी अपने समाज का अंग समझा ही नहीं था। इसलिए इस फासले को, इस दूरी को मिटाने के लिए साक्षरता अभियान का अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये किताब हमारा मिलल बोलूँगा। हाँ,
किताब यह तालुक है यकीनन आज टूटते बिखरते समाज को एक सूत्र में बांधने की सारी कोशिशें नाकाम होने की स्थिति में एक नए समरस समाज की परिकल्पना साक्षरता अभियान के माध्यम से ही साकार की जा सकती थी। कैसे हुई साकार ये परिकल्पना? एकरा में पहल का अक्षर का बा दूसर का अक्षर तीसर का अक्षर का भइल तीनो। वैसे पहले दिन जब स्वयं सेवक ज्योतिन्द्र ने मुसर टोली में प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की आभा फूट रही थी और सीने में विश्वास का समंदर ठांटे मार रहा था। दृढ़ निश्चय और अटल इरादे के साथ ज्योतिन्द्र ने टूटे कच्चे मकानों और फूस की छतों से निकलते धुएं के बीच पढ़ने पढ़ाने की बात बताई तो लगा जैसे मटियाले रंग का पूरा वातावरण प्रकाशमय हो उठा है। उलझे उलझे बालों और सूखे किंतु मजबूत जिस्म वाले लोग प्रवेशिका खोल अक्षरों में अपनी आकृतियां तलाश करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि पढ़ लिख कर ही वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे, शोषण से मुक्ति पा सकेंगे, अधिकारों के प्रति सजग भी हो पाएंगे। काली खोल भाई समाज बीच वाला बन आई ज्यादा तीनों मिलाकर हो समाज। लेकिन यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। ज्योतिन्द्र को सुननी पड़ी अपने समाज की आलोचना। जिस सीमा रेखा को लांघने का दुस्साहस किया था ज्योतिन्द्र ने, उसके बदले मिली उसे गांव वालों की उल्हाना, घर वालों की फटकार। लेकिन ज्योतिन्द्र से पढ़ने वालों ने दिया उसे प्यार। जब मैं साक्षरता अभियान में आया तो मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मेरा धान काट सके और पूरा बर्बाद हो चला था। उनकी सूचना उन लोगों को मिल गई और बिना कहे हुए मेरा मुझे एक दिन मीटिंग की और जाकर रात में फसल को काट दिया। इनकी सूचना और लोगों को मेरा परिवार को नहीं मिला। और जब मैंने मजदूरी देने लगा तो उन लोगों ने कहा कि मोहन बाबा इतना हमारा खातिर मेहनत के लिए बनी हमनी ओर से ये गुरु दक्षिणा होला। तो देखा ज्योतिन्द्र को कितनी अच्छी गुरु दक्षिणा मिली है। इतना ही नहीं, ज्योतिन्द्र को जिले और राज्य स्तर पर कई बार सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक का खिताब भी हासिल हो चुका है। सम्मान पाने और अच्छे स्वयं सेवक कहलाने की इच्छा भला किसे नहीं होती। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब निरक्षर का भी पूरा पूरा सहयोग स्वयं सेवक को मिले। केंद्रों पर निरक्षरों का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका टिके रहना। अक्सर ऐसा होता है कि निरक्षर कुछ दिनों तक केंद्र पर उत्साह से आते हैं किंतु धीरे धीरे उनका उत्साह कम पड़ जाता है। अब सीमा की ही बात लीजिए, वो इस बात से खासी चिंतित है कि क्या वजह है कि लोग पढ़ने के लिए केंद्र पर नहीं आ रहे। जब दूसरों से पूछती है तो पता चलता है कि किसी को केंद्र पर जाने का मन ही नहीं करता, तो किसी को मजा नहीं आता। हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा बहाना जरूर मौजूद होता है जिसके चलते वे केंद्र पर नहीं आते, और आते भी हैं तो टिकते नहीं। यही वजह है सीमा के अंदर ही अंदर घुटने की कि वो करे भी तो क्या करे। परेशान होने से कुछ नहीं होगा सीमा। देखो, तुम्हें अपने निरक्षरों को इस तरह बांधना होगा कि वो केंद्र पर आने के लिए मजबूर हो जाएं। ये तो तुम्हें जानकारी है कि हमारे केंद्र पर पूरी तरह अनौपचारिक ढंग से पढ़ाई होती है। उन्हें परिवेशिका पाठ के साथ साथ अन्य बातों की भी जानकारी देनी चाहिए, जैसे उनके अधिकारों के बारे में या आत्मनिर्भरता के बारे में या अन्य कोई जानकारी भी उन्हें देनी चाहिए। जैसे मान लो चुनाव का ही बात ले लो, चुनाव के समय उनके मतों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में भी उन्हें जानकारी देनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। आज हम लोग वोट के बारे में बात करेंगे
आप लोग को पता है जो हमारे ही वोट से नेता चुने जाते हैं और देश चलाते हैं, हमें किसको वोट देना है ये हमें सोच समझ कर देना चाहिए। और एक बात और, 18 साल से हर बड़े वो आदमी को वोट देने का अधिकार है। हम लोग को तो पता ही नहीं था कि हर आदमी को 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार होता है। पहले तो मुखिया जी जिसको कहते थे उसको हम वोट देते थे, पर अब हम लोग सोच समझ कर वोट देंगे। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्यों नहीं। यकीनन एक अच्छी साक्षरता केंद्र में पढ़ने वालों को केवल क ख ग ही नहीं सिखाना होता है, बल्कि इसके जरिए वो सारी बातें बतानी होती है जिसका खामियाजा उन्हें अनपढ़ होने की वजह से भुगतना पड़ता है। उन्हें ऐसी बातें भी बतानी चाहिए कि असली आजादी तो उन्हें तभी मिलेगी जब वे साक्षर हो जाएंगे। साक्षर होने पर ही वे अपने हकों की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, सही मायने में विकास का लाभ उठा पाएंगे और नए साक्षर भारत को बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। चलिए, सीमा ने तो दिमाग लड़ाकर अपने केंद्र पर निरक्षरों को बांध लिया, लेकिन कुछ इसी तरह की समस्या राम सिंहासन की भी थी। उसके जिम्मे जो 10 निरक्षर थे वे सब के सब मजदूर थे, पूरे दिन खेत खलियान में मजदूरी करते थे। पढ़ने के लिए उन्हें सिर्फ रात में समय मिलता था, किंतु रात में केंद्र पर पढ़ने के लिए उनके सामने मिट्टी के तेल आदि की समस्या आन खड़ी होती थी। नतीजा, निरक्षरों ने केंद्र पर आना धीरे धीरे कम कर दिया। सरकार तो फ्री में पढ़ाओ, तब सरकार पैसा कहाँ दे सुरे के पैसा तार लोग दिया। सरकार पैसा दी तब तो जेबे करी, तो गरीब आदमी बने जा कटनी करी जा कि पढ़ी जा। अरे थोड़ा हूँ टाइम निकालो, राते खानी आवो, का है रात के समय ना मिल बो मिली का है ना तो रातों के आवो आना, तो दिन में कटनी के बेरा पर थोड़े देर हम ही तार कटनी करा देते नहीं, आ तू चल के पढ़ जबरे। ऐसी परिस्थिति में क्या किया राम सिंहासन ने? मेरे केंद्र पर टोटल जो मजदूर हैं, निरक्षर मजदूर हैं, और इन लोगों को दिन में फुर्सत नहीं मिल पाती है क्योंकि ये लोग काम करते हैं दिन भर, तो इन लोगों को मैंने कहा कि चलिए आप लोगों को खेत पर ही पढ़ा देंगे, ताकि भोजन भी आप लोग उस समय में कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, उसी में थोड़ा सा समय निकालिए। और समय निकाल कर इन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ये लोग अपना समय भी निकालते हैं, और खेती के बारे में भी मैं इन लोगों को कुछ बताता हूँ। आज राम सिंहासन के केंद्र पर उसके 10 निरक्षर भाई बहन पूरे उत्साह के साथ पढ़ते नजर आते हैं। क्या औरत और क्या मर्द, खेत खलियान में बैठकर पढ़ते हैं तो थोड़े पल के लिए ही सही, पर ऐसा महसूस होता है मानो अब वो दिन दूर नहीं जब साक्षरता का परचम हर जगह लहराता नजर आएगा। राम सिंहासन को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि निरक्षरों को केंद्र पर कैसे बुलाया जा सकता है और उन्हें पढ़ाया जा सकता है। बिरसा मुंडा बीरा संपैसा बिरसा मार्चुकन मुडंपैडा मुंडा को कौन नहीं जानता। बेशक राम सिंहासन को समझ में तो ये बात आ गई कि निरक्षरों को केंद्र पर बुलाकर पढ़ाया जा सकता है, पर इसी इलाके के एक और स्वयंसेवक सगीर रहमानी के सामने परेशानियां कुछ अलग तरह की हैं। दिन भर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और शाम ढलने पर 10 निरक्षरों को केंद्र पर पढ़ाते हैं। मेहनत और लगन से पढ़ाने के बावजूद इनकी बताई हुई बातें इनके निरक्षरों के पल्ले नहीं पड़ती। प्रवेशिका के किसी पाठ को जब वे समझाते हैं तब उनके निरक्षर बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते तो हैं, पर जब उनसे ये पूछा जाता है कि उन्होंने इस पाठ से क्या सीखा तो वह एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। सगीर को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। बताइए तो यह जो पाठ मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया कुछ? नहीं। तुम्हारी समझ में आया कुछ? नहीं। चाचा जी आपकी समझ में कुछ आया? हमारा कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं ना। अब मैं क्या करूं? वही जो करना चाहिए। देखो अपने निरक्षरों को पढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो
कि उन्हें आसान से आसान भाषा और सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें। जो इनकी बोलचाल की भाषा है भोजपुरी, उन्हें उसी भाषा में समझाने का प्रयास करो। परवेशिका पाठ के साथ साथ इन्हें अन्य जानकारियां भी देनी चाहिए, जो हमारे इलाके के वीर पुरुष हैं या जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनके संबंध में भी बतानी चाहिए, जैसे हमारे कुंवर सिंह। लेकिन इनको पढ़ाई जाने वाली परवेशिका तो हिंदी में है। तो क्या हुआ? अरे, हिंदी में पढ़ाने के बाद जो इनकी अपनी भाषा है भोजपुरी, उन्हें उस भाषा में समझा दो। हाँ हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस ऐसा ही करो। ठीक बात कही है होशियार सिंह ने। जब तक हम निरक्षर भाइयों को उनकी स्थानीय भाषा में नहीं समझाएंगे तो वे कैसे समझ पाएंगे? स्थानीय और उन्हीं की बोलचाल वाली भाषा निरक्षरों को साक्षरता केंद्र तक लाने और प्रवेशिका में रुचि पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। इससे उन्हें पढ़ाए जाने वाला शब्द पराया नहीं लगेगा, और जब साक्षरता अभियान में अपनापन जुड़ जाए तो लोगों का दिल अपने आप पढ़ने लिखने में लगने लगेगा। जैसे कि इस इलाके के लोगों की बोलचाल की भाषा ठेठ भोजपुरी है, तो अगर इन्हें भोजपुरी में बताया और पढ़ाया जाता है तो जाहिर है वो न सिर्फ इस बात को जल्दी समझ पाएंगे पर उसी बात में रुचि भी बढ़ेगी। और यही होशियार सिंह का कहना था कि सगीर ने अपने केंद्र में भोजपुरी में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका असर क्या पड़ा आप खुद ही देखिए। अभी हम रउआ सभे के वीर कुंवर सिंह के बारे में बताइनी, अब रउआ सभे हमरा के बताई कि वीर कुंवर सिंह के रहले। तू बतावा सिपाही तो के रहन? उ तो वीर रहलन। जब एक बार अंग्रेजन के गोली उनकर हाथ में लागू रहे तो अपने आप हाथ काट लेले रहलन। तो देखा आपने, एक स्वयंसेवक कितनी मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यदि आप भी एक स्वयंसेवक हैं तो अपनी इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के सहारे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़िए आगे आगे और आगे।